नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल 2020 का आगाज 29 मार्च से हो रहा है। हर बार की तरह इस बार भी आईपीएल के बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। दो बार की चैंपियन टीम कोलकाता नाइट राइडर्स भी इस बार खिताब जीतने का प्रयास करेगी। केकेआर को अपना पहला मैच 31 मार्च को आरसीबी टीम के खिलाफ खेलना है। ऐसे में दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस आईपीएल में पहले मैच में और साथ ही साथ पूरे सीजन में केकेआर की सबसे मजबूत प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे कि वो कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जो केकेआर के लिए मैदान पर उतर सकते हैं प्लेइंग 11 में। तो दोस्तों, अगर आप केकेआर के फैन हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वहीं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आईपीएल 2020 की कोई भी बड़ी अपडेट आप सभी को मिलती रहे। दोस्तों, केकेआर का प्रदर्शन पिछले सीजन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था। इसी वजह से कोलकाता ने आईपीएल ऑक्शन में कई दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया है, जिसमें पैट कमिंग्स और इयन मॉर्गन जैसे कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं। इसके साथ ही दोस्तों, टीम ने पूरे कोचिंग स्टाफ को भी बदल दिया है, जिसमें अब हेड कोच के रूप में ब्रेंडन मैकेलम टीम के साथ काम करेंगे। तो दोस्तों, बात करें इनके प्लेइंग 11 की, तो कोलकाता के लिए ओपनर बल्लेबाज के रूप में शुभमन गिल और सुनील नारायण को मौका मिल सकता है। ये दोनों अब तक आईपीएल में बेहद सफल रहे हैं। टीम के लिए नंबर 3 पर राहुल त्रिपाठी और नंबर 4 पर इंग्लैंड के कप्तान इयन मॉर्गन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, मॉर्गन ने T20 क्रिकेट में पिछले कुछ समय में शानदार फॉर्म दिखाया है। ऐसे में केकेआर के लिए इयन मॉर्गन एक उपयोगी खिलाड़ी हो सकते हैं मिडिल ऑर्डर में। इसके बाद दोस्तों, टीम के पास नीतीश राणा, आंद्रे रसेल और दिनेश कार्तिक के रूप में अच्छे फिनिशर भी मौजूद हैं। वहीं दोस्तों, बात की जाए गेंदबाजी की, तो यहाँ पर पैट कमिंस, प्रसिद्ध कृष्णा, कमलेश नागरकोटी और कुलदीप यादव टीम के लिए गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अब बात करें फाइनल प्लेइंग 11 की, तो वो कुछ इस प्रकार से हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले खेलते हुए नजर आएंगे शुभमन गिल, इसके बाद सुनील नारायण, फिर राहुल त्रिपाठी, इयन मॉर्गन, नीतीश राणा, आंद्रे रसेल, दिनेश कार्तिक, पैट कमिंस, प्रसिद्ध कृष्णा, कमलेश नागरकोटी और लास्ट में कुलदीप यादव। तो दोस्तों, ये थी हमारे हिसाब से केकेआर टीम की एक मजबूत प्लेइंग 11। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।